Hey guys, Labber here with an opinion video on One Piece chapter 1055. मैंने इस चैप्टर के स्पॉयलर्स को अवॉइड किया था, बट इतना कुछ खास नहीं था इस चैप्टर में. इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चली है, बट स्टिल ऐसा कुछ नहीं था कि मैं रिग्रेट ही करता अगर मैं स्पॉयल हो जाता. तो इंट्रो देखो, फिर बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में. लेट्स बी गेन. सबसे पहले बात करते हैं शक्तिमान मोमो की. क्या हरकतें कर रहा है ये, ज़बरदस्ती का हीरो बनने वाली कोशिश. बरोबरत अच्छा था मोमोनोस्के का, भाई करोड़ साल बाद मोमोनोस्के अच्छा था चोदोनोस्के का, बट सामने वाले को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा. रियोकोगी और मोमो का फाइट हद लेम लगा मुझे. रियोकोगी इस चैप्टर में भी लेम ही लग रहा है भाई. क्या चूतिया बंदा है ये भाई, एकदम छी. इसको बैडस कैसे समझ लिया था मैं, फुद्दू कहीं का. मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि ओडा ने इस फुद्दू बंदे का शक्ल क्यों छुपा के रखा था लंबे टाइम तक. शैंक्स इसको मारा तक नहीं, लेकिन इसकी फट गई उसके कॉन्करर साकी से, हैंड्सअप करके पूसी की तरह भाग गया. फॉर अ मोमेंट मैं सोच रहा था पता है कि रियोकोगी मस्त है. जब मोमो उसको जला दिया था और वो फिर तुरंत छोटा सा छोटे से बीज से निकला पौधा जैसे ज़मीन से निकला, तब मुझे लगा कि वाह क्या फ्रूट है. बट फिर पूसी हरकत कर दिया ये बंदा. और एटीट्यूड देख रहे हो भाई. पहले तो शैंक्स के हाकी को देख के भागा, और उसमें भी भागते भागते बोल रहा कि आज नहीं लड़ना चाहता हूँ मैं. प्रिटी पूसी एडमिरल. वैसे रियोकोगी ने बोला है इस चैप्टर में कि फायर उसका वीकनेस है, कहीं इसलिए तो वो साबो को पकड़ नहीं पाया रेवरी में. शैंक्स की बात करें तो मुझे उसका भी हरकत समझ नहीं आया. वो बंदा रियोकोग्यू को डरा के चल दिया. अब रियोकोग्यू के नहीं लड़ने का एक रीज़न शैंक्स का गोरोसे से कनेक्शन हो सकता है, बट अगर वो रीज़न नहीं होता और रियोकोग्यू शैंक्स से लड़ता तो भी आई गेस वो पिट ही जाता. चेहरा देखो भाई इसका, क्या फटी है इसकी. वीकेस्ट एडमिरल आई गेस. लेकिन मुझे ना कुछ समझ नहीं आया पता है कि रियोकोग्यू के साथ हुआ क्या एग्जैक्टली. ये अचानक से चिल्लाया एज इफ इसको पेन हुआ. इज दिस पॉसिबल? कॉन्करर था किसे लॉन्ग रेंज में किसी को हर्ट करना पॉसिबल है क्या? आई गेस इट्स पॉसिबल फॉर शैंक्स. या फिर कहीं शैंक्स के कॉन्करर हाकी की वजह से रियोकोग्यू के आजू बाजू वाला आग का कुछ सीन तो नहीं था. मुझे समझ ही नहीं आया पता एग्जैक्टली हुआ क्या यहाँ पे. बस रियोकोग्यू हाथ खड़ा कर दिया और भाग गया उसके बाद. वेल, शैंक्स का बिना शिप से निकले एक एडमिरल को चमका देना बैडास लगा मुझे. एंड शायद तुमने ये चीज़ नोटिस नहीं किया, बट जिस पैनल में शैंक्स ने लूफी मोमो और हियोरी के बारे में सोचते हुए रियोकोगी को चमकाया है, उसमें हियोरी वाले पैनल के लेफ्ट में ये दो छोटे छोटे पैनल ऊता का है क्या? लाइक ध्यान से देखो इसको, ऐसा लग रहा है ना कि ये ऊता का सिलुएट है. ऊता कैनन कैरेक्टर और वॉट. इसके अलावा चैप्टर का लास्ट पेज मुझे बहुत सैक्स लगा. मस्त भाई, एकदम मज़ा आ गया. द पैनल जिसमें लूफी जोरो सांची जिम्बे साथ में है, इश भाई सो होलसम. आई लाइक हाउ इन सबको पता था कि कोई उंगल करने आया है वानों में, बट ये लोग मोमो यामाटो अकाजा को संभालने दिए. एंड डैम लूफी को पता भी चल गया कि शैंक्स क्लोज था वानों के. अभी वैसे रेड हेड पायरेट्स चले गई है, आई वंडर वो क्यों आई थी वानों के पास. ना उनको वानों में घुसना था, ना उनको पुनेग्लिफ चाहिए था, फिर क्यों आई पता नहीं भाई. हो सकता है कि शैंक्स मरीन्स के एनेक्सेशन को रोकने ही आया था वानों, क्या पता भाई. पता नहीं शैंक्स की हरकतें कब समझ आएंगी, पता नहीं. एंड अभी बात करते हैं चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन के बारे में. प्लूटोन का लोकेशन हमें पता चल गया इस चैप्टर में. इस वाले वीडियो में मैंने बोला था ना कि प्लूटोन शायद से पानी के अंदर है. आई वॉज राइट. सुकियाकी ने पूरी तरह समझा दिया कि वानों को ओपन कैसे किया जा सकता है. एक्चुअली अगर तुम सोच रहे हो तो प्लूटोन का एग्जैक्टली लोकेशन अभी तक हमको ढंग से नहीं पता, बट या वो पानी के अंदर ही है, वो अंडर वाटर में ही है ओल्ड वानों में. एक्चुअली इस टॉपिक पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, क्योंकि ये टॉपिक से रिलेटेड मेरे पे बहुत कुछ है बोलने के लिए. ओवरऑल दिस चैप्टर वॉज वेरी इन्फॉर्मेटिव. डिसअपॉइंटेड तो नहीं हूँ मैं, बट मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा था इस चैप्टर से, बट ठीक है अच्छा ही था. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस चैप्टर, डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन. मैं अभी जोरो सांझी लोग का बाउंटी देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. आई होप नेक्स्ट चैप्टर में वो चीज़ दिखे. एंड थोड़ा शैंक्स का एक्शन दिखाओ यार, मज़ा आएगा. फिर मेन स्टफ के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करेगा, तो अब नेक्स्ट वीडियो में सुनने मिलेगी. तो बाय बाय.